अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं आतिफ खटक हूँ। इस मरतबा पीटीआई को अपने एहतजाज से ना सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है, बल्कि इस मरतबा का एहतजाज माजी करीब में पीटीआई के जितने एहतजाज हुए हैं उससे मुख्तलिफ और मुनफरिद भी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मरतबा जो एहतजाज है उसमें जो क्लेरिटी है वो बहुत ज़्यादा है कि इमरान खान ने क्या कहा है, इमरान खान क्या कहने वाले हैं, जो मैसेजेस हैं, जो पैगाम रसानी है उसमें डाउट नहीं है। वर्कर्स को, किसी भी लेयर के, किसी भी टीयर के लीडरशिप को, और अब चूंकि बुशरा बीबी खुद कन्वे कर रही हैं और लोगों को यकीन है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो दुरुस्त है। दूसरी बात कि बुशरा बीबी खुद मौजूद है और बुशरा बीबी जेल काट के आई है, इमरान खान की शरीक हयात है और काफ़ी ज़्यादा जो एक सिंपथी है वो उनको मिली हुई है। एक काफ़ी ज़्यादा टाइम से वो मुख्तलिफ परेशानियों का शिकार है जो कि पीटीआई के वर्कर्स के लिए उनके डेफिनेटली उनको एक किस्म की हमदर्दियाँ उनके साथ उनकी है। इसके अलावा ये पहली मरतबा हो रहा है कि बुशरा बीबी जो है वो फ्रंट पे आके कारकुनों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, उनको उनसे खिताब कर रही है और उनको इमरान खान की जिस जो एक लॉजिक में हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टिव फंक्शंस, तो उनकी स्पीचेस जो हैं, उनकी जो बातें हैं इमरान खान के हवाले से वो असर कर रही है। वो कारकुनों को उसमें जो है वो आप कह सकते हैं उनसे वो चार्ज हो रहे हैं। एक और मामला भी है कि जिस अंदाज में बुशरा बीबी ने अपने पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों को ये मामला क्लियर कराया है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, हमने इस्लामाबाद लाजमी पहुंचना है और ये हतमी काल है। ये पहले जितने भी एहतजाज होते थे वो उस अंदाज में नहीं होते थे, उस अंदाज में चीज़ें कन्वे नहीं होती थी और कारकुन भी समझते थे कि एक मरतबा और ही सही, चलो चलो वाला मामला है, पिछले हफ्ते गए थे फिर गए हैं, तो वो मामला नहीं है इस मरतबा। सो जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, पीटीआई के सिंपथाइजर, पीटीआई के सपोर्टर्स, हर वॉक ऑफ लाइफ से वो इस मरतबा डिटरमिंड है और वो इस वक्त दफ़ा समझते हैं कि हवाओं का रुख भी शायद तब्दील है, कुछ नरमियाँ भी हैं। पिछले मामलात में जिस अंदाज में जो सख्ती होती थी, जो जिस अंदाज में ताकत का इस्तेमाल होता था, जिस तरह से रोका जाता था, वो इस मरतबा भी नहीं है। जाहिर बात है बुशरा बीबी एक काफिले के साथ आ रही है और इस सूरत में जब एक खातून मौजूद है और वो खातून जो है इमरान खान की अहलिया है, हुकूमत या रियासत या रियासती इदारे किसी भी किस्म की फोर्स उस अंदाज में इस्तेमाल नहीं करेगी जो पिछले मरतबा इस्तेमाल हो रही है, और वो नरमी हमें नज़र भी आ रही है। ना सिर्फ ये कि इन मुजाहिरीन के हवाले से, बल्कि जो आम पब्लिक के लिए इस्लामाबाद के लॉकडाउन का की जो सिचुएशन थी जो पिछले एहतजाजों में थी और वो अब की है, उसमें भी हमें नरमी नज़र आ रही है। इस सारी सिचुएशन के अलावा भी जो एक बात है वो ये है कि मैं पिछले व्लॉग्स में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो हमारे मुक्तदिर हलके हैं वो समझते हैं कि अब ये जितनी लड़ाई थी या जितनी जो एक बेमकसद जो जिटेशन थी उसकी जो जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जो इस रिजीम के लिए वो ताकत फराहम करती है या उसके लिए वो सस्टेनेबिलिटी के लिए वो ज़रूरी है, वो उसे फ्यूल कर रही है, वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ गैर ज़रूरी जो रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, तलखियाँ हैं, उसको अगर कम किया जा सकता है तो कम किया जाए। इसी वजह से मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में यही होगा कि पीटीआई आके यहाँ पे कोई पड़ाव डाल के उसके बाद वो अपना कोई जलसा करके 2 दिनों का, 3 दिनों का या ज़्यादा से ज़्यादा इतवार तक का अपना एहतजाज करें और वो चले जाएं और वो जो है वो अपने एक किस्म की सेलिब्रेशन बनाए कि हम जो है वो आए और हमने जो है कहा था कि हम आएंगे और इमरान खान के कहने पर इतने लोग जो है वो देखें आ गए। आज भी पाकिस्तान का दिल जो है वो इमरान खान के साथ धड़कता है और ये चीज़ें जो होंगी वो उनको ना सिर्फ एक अच्छी फेस सेविंग देगी, बल्कि उनको एक जो उनके कारकुनों की के अंदर एक मायूसी थी और पार्टी के अंदर जो है वो एक किस्म की उनकी जो स्ट्रीट पावर जो काफ़ी टाइम से शो नहीं हो रही थी
वो उसका भरम रखेगी। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। हुकूमत अहम ऐलान करने वाली है, तब तक जब ये वीडियो आप तक जाएगी ऐलान हो चुका होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।